सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम शैलेंद्र पांडे है और मैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूं। और इसके साथ साथ मेरी अपनी छोटी सी कंपनी है जिसका नाम है जय हिंद एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। मेरे मित्र हैं अजय जी, इन्होंने मुझे एक कॉन्सेप्ट सुनाया तो मुझे लगा इसको हमें करना चाहिए, क्योंकि आजकल इश्यू भी बहुत है और जो जिस माध्यम से अपने समाज के लिए कुछ कर सकता है उसको करना चाहिए, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं। मैं समझता हूँ कि जो हमारा अपना प्रोफेशन है स्पेशली फिल्म मीडियम, उसमें हमें पैशन के साथ आना चाहिए या हमें कुछ करना है उसमें, ना कि सिवाय मनी मेकिंग को हम अपने जहन में रखें कि उससे हमें उस लिए हम जा रहे हैं। एक जो मीडियम है उसको स्ट्रांगली हम समाज के सामने कैसे ला पाएं पैशन के साथ, उस पर हम थोड़ा वर्क करेंगे तो कर सकते हैं। तो हम सबको करना चाहिए, जितने भी यंगस्टर हैं स्पेशली उनको, क्योंकि बहुत बहुत सारा टैलेंट है उनके अंदर। और मैं चाहता हूँ कि मेरी कंपनी के साथ जितने यंगस्टर जुड़े हैं, जितने भी डिपार्टमेंट के हो, मुझे खुशी होगी और मैं उनके साथ काम करना चाहूँगा। हिसाब से इट्स अ ग्लोबल इश्यू, ठीक है, तो हर आदमी अपने मीडियम से उसको एक्सप्रेस करता है। तो ये हमारे मित्र हैं, फ्रंटल अगर चाहे तो कोई ले सकते हैं, फ्रंटल शॉट पलटने की बजाय फ्रंटल एक शॉट ले लीजिए, मतलब पहले उसको एस्टैब्लिश किए, कट टू एक फ्रंटल ले लीजिए। जैसे अजय जी के बारे में सिर्फ ये कहना चाहूंगा, मेरी ज्यादा मुलाकात नहीं, सिर्फ 4 या 5 मुलाकात है, बट क्या है कि जिंदगी में कुछ भी करना है आपको तो सारा काम आप खुद नहीं कर सकते, तो किसी न किसी पर भरोसा करना चाहिए। और अजय बहुत ऑर्गेनाइज आदमी, जितना अब तक मैंने उनका काम देखा हुआ है, और इज वेरी टैलेंटेड, और होपफुली मैं समझता हूँ कि मेरी कंपनी के साथ वो काफ़ी लंबे अरसे तक अच्छा काम करते हैं। एज ए जेंटल गाय, आज की डेट में शॉर्ट फिल्म का थोड़ा सा जो एक दौर है ना, उसकी एक वजह ये भी है कि जो आज का यंगस्टर है वो शॉर्टर वर्जन में ज़्यादा बिलीव करता है। तो शॉर्टर वर्जन में जितनी भी छोटी से छोटी ड्यूरेशन में हम कोई चीज़ अपनी ऑडियंस तक पहुँचा पाएँ, लोगों तक पहुँचा पाएँ, वो जल्दी कन्वे हो गया मेरे हिसाब से। तो इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट फिल्म पर फोकस करके कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और जहाँ तक शॉर्ट फिल्म की बात है, शॉर्ट फिल्म जो लोग मैसेज के लिए बनाते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं, लेकिन कि जो भी कंटेंट होगा सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, हम सब के लिए, उस पर मैं काम करूँगा। एक जो जिसको बोलते हैं कि सार्थक चीज़ कोई समाज के सामने आए, समानांतर सिनेमा भी बनाते हैं, उसमें भी इंटरटेनमेंट होता है, तो इंटरटेनमेंट सब जगह है, आप कहाँ कैसे उसको प्रेजेंट करें टोटली डिपेंड करता है। अगर हम परिश्रम कर रहे हैं, हमारी इतनी सारी टीम काम कर रही है, तो अच्छे कंटेंट के साथ वो चीज़ सामने आए समाज में, जिससे कि हमारा जो मीडियम है, जो हम लोगों को देना चाहते हैं, उसमें थोड़ी हमें सफलता मिल सके। जो जिस तरह से अपने आप को मैसेज दे पाए समाज को, उस मीडियम में उसको काम करना चाहिए। तो इन्हीं सारी बातों को सोचते हुए हमारी कंपनी जो जय हिंद एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, इसने एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म बनाई जिसका नाम है ड्रीम ऑफ असलम। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।